मंजरीका आखिरकार में है कौन, भूल भुलैया 3 फाइनली रिलीज हो चुकी है। हॉरर कॉमेडी मूवी है। अब देखो इस बार अगर मैं बात करूँ वो फिल्म के अंदर क्या वो सब कुछ हमें देखने मिला है या नहीं मिला है, क्या आपको इस फिल्म को देखने जाना है थिएटर्स के अंदर नहीं जाना है, सब कुछ वीडियो में जानने के लिए मिल जाएगा। इसे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर हम बात करें रिव्यू की तो भाई देखो इस फिल्म को रिव्यू करना एक बहुत ही पेचीदा मामला है, क्योंकि दोस्तों ये जो फिल्म है ये फिल्म ही बहुत पेचीदा है। पहली बात तो इतनी जल्दी फिल्म का थर्ड पार्ट लाने की क्या जरूरत थी, ऐसा लगता है यार कि भूल भुलैया 2 अभी कुछ दिन पहले ही देखी थी, वापस से भूल भुलैया 3 आ चुकी है। 2.5 घंटे से ज्यादा की मूवी है, लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की मूवी है। जहां अगर मैं बात करूँ पूरा फर्स्ट हाफ जो है आपका वो हर चीज को बनाता है धीरे धीरे कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों है। आप फिल्म से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करते हो बट फर्स्ट हाफ के अंदर ही आप थोड़े बहुत बोर भी हो जाते हो, क्योंकि दोस्तों कुछ सीन्स ऐसे डाले गए हैं जिसकी शायद अगर जरूरत नहीं थी और अगर वो होते ना होते उसका कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। फर्स्ट हाफ के अंदर भी आपको काफी र्यूमर डालने की कोशिश की गई है, कुछ कॉमेडीज डालने की कोशिश की गई है। हॉरर जहां आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है फर्स्ट हाफ के अंदर, वहीं सेकेंड हाफ के अंदर हॉरर चीजें थोड़ी डाली गई है, वो भी इतनी ज्यादा हॉरर नहीं होती है कि भैया इस फिल्म को हम हॉरर फिल्म कह सके, जबकि ये हॉरर कॉमेडी मूवी है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कॉमेडी की चीजें ज्यादा डाली गई है, ह्यूमर ज्यादा डालने की कोशिश की गई है, वो कभी कभी तो इतना ज्यादा हो जा रहा है कि भाई वो बहुत फीका पड़ जा रहा है, वो बहुत फ्लैट निकल जा रहा है, वो मतलब एक हिट ही नहीं कर पा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ सीन जो है वो वर्क भी करते हैं। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ कार्तिक आर्यन की, साथ ही साथ अगर हम बात करें दीप्ति धीमरी की, उनके साथ मंजरीका मतलब हमारी विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और उसके उनके बाद भी स्टार कास्ट जो है वो बहुत अच्छी है धीरे। उसके बाद भी मैं कह सकता हूँ कि स्टिन के पास सब कुछ होने के बाद भी ये फिल्म वो कमाल नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, शायद मुझे लग रहा है मेकर्स को जल्दी थी कि जल्दी से निकाल दो, अभी तो भैया हॉरर फिल्में बहुत चल रही है, पैसा छाप लेंगे। भाई अगर थोड़ा टाइम लगाते, थोड़ा इस फिल्म को समय देते तो मुझे लगता है डायरेक्टर और साथ साथ एक्टर्स को भी ये चीज नोट करनी चाहिए कि वो भी काफी ज्यादा जल्दबाजी में नजर आ रहे। कार्तिक आर्यन हो, तृप्ति धीमरी हो, माधुरी दीक्षित हो, इनफैक्ट विद्या बालन हो, विद्या बालन में जो पहले पार्ट के अंदर वो कमाल की एक्टिंग थी वो थर्ड पार्ट के अंदर बहुत डाउन नजर आती है लिटरली। अब देखो काम वाइज में नहीं कह सकता कि एक्टर्स ने काम अच्छा नहीं किया, बट ये नजर आ रहा है कि काम बहुत जल्दबाजी में किया गया है, बहुत जल्दबाजी में किया गया है, वो आपको उनकी एक्टिंग में भी नजर आती है। एंड अगर हम बात करें फिल्म के डायलॉग्स, भाई डायलॉग्स तो मतलब इतने ज्यादा जल्दबाजी में कर दिए गए हैं कि जो कॉमेडी सीन्स को मतलब डाला गया, जो कॉमेडी डायलॉग जो मतलब दिया गया है अच्छे अच्छे एक्टर्स को, वो भी भाई उस डायलॉग्स के अंदर, उस सीन के अंदर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे। जहाँ की फिल्म के अंदर हॉरर कम है, कॉमेडी ज्यादा है, पर वो काम नहीं कर रही है, यही पर इस फिल्म का क्लाइमैक्स काम आता है। जी हाँ दोस्तों, क्लाइमैक्स के अंदर जो आपको ट्विस्ट और टर्न्स देखने के मिलते हैं वो इस फिल्म का एक मैं कह सकता हूँ यूएसपी है, बहुत बड़ी यूएसपी है। जब आप फिल्म को देखने जाएंगे थिएटर के अंदर या कहीं पे भी देखेंगे, जब ऐसा क्लाइमैक्स देखेंगे तो शायद आप बहुत ठीक फील करें, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म देखने के बाद जब आपको क्लाइमैक्स अच्छा देखने मिल जाता है तो आप वहीं पे थोड़ा संतुष्ट हो जाते हो। इसी के साथ यह फिल्म जो है एक एवरेज मूवी बन के रह जाती है। जी बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही मैं कह सकता हूँ, यह फिल्म एक एवरेज मूवी है। इसमें कुछ सुपर हिट वाली चीजें नहीं है, कुछ बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर वाली चीजें नहीं है। कलेक्शन में ये बहुत ठीक ठीक सी कर लेगी, मतलब ये फिल्म चल जाएगी क्योंकि दिवाली का माहौल है, छुट्टियां चल रही है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे, अच्छे कलेक्शन आएंगे। बट अगर मैं बात करूँ इस फिल्म को यार, तो यार फिल्म उतनी पसंद तो मुझे नहीं आई, बहुत एवरेज मूवी है। इस फिल्म को मैं देना चाहूंगा 5 में से 2.5 स्टार। अब अगर आपने मूवी देखी है, देखो एक्टर्स ने एक्टिंग अच्छी की है, ठीक ठाक से की है। मेरा जो फेवरेट है पूरी मूवी का वो था माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का डांस, मतलब वो जो आलम जी तुम, मतलब इस गाने ने जो इन्होंने डांस किया है भाई, वो ग्रेस, वो प्योरिटी, वो मतलब ब्यूटीफुल, मतलब वो डायमंड नजर आ रहा था यार, कि जिसको देख के ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाती है। तो मजा आया उस डांस को देख के, पूरी फिल्म के अंदर सिर्फ एक ही सीन मुझे पसंद आया, वो था माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का डांस। बाकी पूरी मूवी के अंदर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, मूवी कहीं पर आपको बोर करती है और क्लाइमेक्स के अंदर आपको बहुत मजा देती है। तो मुझे लगता है ये फिल्म बहुत एवरेज मूवी है, काश इसको थोड़ा और टाइम लगा के बनाया होता तो शायद फिल्म में ज्यादा मजा आता। बाकी आपने अगर मूवी देखी तो आपको मैं ऑफर बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी, बाकी मुझे तो बहुत एवरेज लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखिए, जय भारत।